आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के 10 बेस्ट कंट्रीज के बारे में। ये बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट हमने उनके एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचडीआई, जीडीपी, वहाँ के क्राइम रेट, बिजनेस और करप्शन जैसे पैरामीटर के बेसिस पर की है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, 10वें नंबर पर आता है फ्रांस। फ्रांस की 2.6 ट्रिलियन US डॉलर जीडीपी इस वक्त दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, जो कि फ्रांस के 6,71,00,000 पॉपुलेशन के लिए काफी है, क्योंकि भारत की जीडीपी फ्रांस से बस थोड़ी ही ज्यादा है, जबकि भारत की पॉपुलेशन फिर 134 करोड़ है, जबकि फ्रांस की पॉपुलेशन मात्र 6,71,00,000 है। और फ्रांस के लोगों की पर कैपिटा इनकम 42,472 US डॉलर यानी कि तकरीबन 29,50,000 रुपए है। फ्रांस इसमें दुनिया का 12वां मोस्ट एजुकेटेड कंट्री है, जिसका लिटरेसी रेट लगभग 99% है। 99% का मतलब है लगभग वहां पर सभी लोग एजुकेटेड है। एजुकेटेड होने की वजह से वहां पर काफी कम करप्शन, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी चीजें हैं, और अच्छा एचडीआई रैंक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक भी है। फ्रांस लीस्ट करप्शन के मामले में 21वें नंबर पर आता है, जबकि भारत करप्शन के मामले में 180 देशों में 78वें नंबर पर आता है। मतलब है कि भारत के मुकाबले फ्रांस में लगभग 3.5 गुना कम करप्शन है। फ्रांस में बिजनेस शुरू करना भी काफी ज्यादा आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फ्रांस 32वें नंबर पर आता है। 189 देशों में फ्रांस के एचडीआई रैंक 24 है। भारत एचडीआई रैंक में 130 पर आता है। अगर किसी को पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पैरामीटर है, जिससे कि हम किसी देश में एजुकेशन, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब है कि वहाँ पर कैसा रहन सहन है, ये सभी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिससे कि हम फिर किसी देश का एचडीआई रैंक निकालते हैं। इसमें वैसे और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये चार मेजर फैक्टर हैं। लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब है कि किसी देश में रह रहे लोगों की कितनी उम्र तक जीवित रहता है, उसमें फ्रांस की रैंकिंग 183 देशों में 9वें नंबर पर आती है। फ्रांस में सामान्य व्यक्ति की औसतन आयु 82.4 वर्ष है। और पॉल्यूशन की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देश है। पॉल्यूशन के मामले में फ्रांस 109 देशों में 81वें नंबर पर आता है। मतलब है कि वहां पर बहुत ही कम पॉल्यूशन है। फ्रांस में प्रति घंटे काम करने पर आपको दुनिया में 4थी सबसे हाईएस्ट वेज दी जाती है। वहां पर 1 घंटे में काम करने पर आपको मिनिमम $11.2 यानी कि ₹778 दिए जाते हैं, और 8 घंटे काम करने पर वहां आप 6,000 से 8,000 रुपये आसानी से कमा सकते हो। नंबर 9, 9वें नंबर पर आता है नॉर्वे। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि एरिया के हिसाब से भारत के राजस्थान से थोड़ा ही छोटा है। नॉर्वे की जीडीपी इस वक्त दुनिया की 28वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी से 90 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है। नॉर्वे की 398 बिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी वहां के 53,00,000 पॉपुलेशन के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। वहाँ की पर कैपिटा इनकम 72,058 US डॉलर यानी कि तकरीबन 50,00,000 रुपए है। और नॉर्वे में पर आवर वेज, मतलब है कि 1 घंटे में काम करने पर आपको मिनिमम 21.5 यूरो मतलब है कि 1,650 रुपए मिलते हैं। अगर आप वहाँ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हो तो आप वहाँ पर महीने के 5,163 यूरो मतलब है कि तकरीबन महीने का 4,00,000 रुपए कमा सकते हो। एजुकेशन में नॉर्वे दुनिया में अन्य देशों से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि लिटरेसी रेट में नॉर्वे नंबर 6 पर आता है। वहां का लिटरेसी रेट लगभग 100% है, और कुछ ऐसी ही शानदार रैंकिंग उनकी करप्शन के मामले में भी है। नॉर्वे 180 देशों में 7वां सबसे कम करप्टेड देश है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एजुकेशन होना कितना जरूरी है, क्योंकि एजुकेटेड लोग ही सही लीडर का चुनाव कर सकते हैं। अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो नॉर्वे की एचडीआई रैंक 189 देशों में पहले नंबर पर आती है। मतलब है कि सही मायने में कहें तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये जगह जिंदगी व्यतीत करने के लिए स्वर्ग जैसी हो सकती है। एचडीआई रैंक 1 होने का मतलब यही है कि इंसानों के लिए वह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नॉर्वे दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, और दुनिया में सबसे कम पॉल्यूशन में भी नॉर्वे 109 देशों में 5वें नंबर पर आता है। मतलब है कि सिंपल भाषा में कहें तो नॉर्वे की रैंकिंग हर क्षेत्र में बेस्ट टॉप 10 में ही आती है। केवल लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी में नॉर्वे 183 देशों में 15वें नंबर पर आता है। वहाँ की लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब है कि एवरेज जीने की आयु 81.8 वर्ष है, जो कि सामान्य तौर पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नंबर 8, 8वें नंबर पर आता है सुपर पावर कंट्री USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दुनिया का वो देश है जहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो मतलब है कि इस देश से लड़ाई करने का तो कोई बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि पैसा और हथियार दोनों ही USA के पास पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। USA की GDP इस वक्त 19.4 ट्रिलियन US डॉलर, जो कि USA की 33 करोड़ आबादी को पावरफुल कंट्री का एक हिस्सा बनाती है।
यूएसए की जीडीपी इस टॉप 10 की लिस्ट में सभी देशों की टोटल जीडीपी से भी अधिक है। वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम 64,767 यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 45 लाख रुपए है। यूएसए इस वक्त दुनिया का सातवां मोस्ट एजुकेटेड कंट्री है, जिसका लिटरेसी रेट इस वक्त 99% से अधिक है। 180 देशों में यूएसए 22वां सबसे कम करप्टेड देश है। यूएसए में थोड़ा बहुत करप्शन है, लेकिन वो लगभग ना के बराबर ही है। यूएसए में कोई बिजनेस शुरू करना भी काफी ज्यादा आसान है। आपको वहाँ भारत की तरह दर्जनों परमिशंस नहीं लेनी पड़ती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूएसए 190 देशों में 8वें नंबर पर आता है, जो कि वहाँ की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कारण है। एक वक्त था जब यूएसए में औद्योगीकरण की वजह से दुनिया में सबसे अधिक पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन आज के समय में यूएसए पॉल्यूशन पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। 0 to 50 के बीच AQI मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेफ माना जाता है, और यूएसए का AQI 35 से 74 है, और यूएसए 109 देशों में 22वां सबसे कम पॉल्यूटेड कंट्री है। 79.3 वर्ष की लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी के साथ यूएसए 183 देशों में 31वें नंबर पर आता है। सीरा लियोन कंट्री इस लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे आखिरी नंबर पर आता है। वहां पर व्यक्ति की औसतन उम्र 50 वर्ष है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी यूएसए काफी बेहतर स्थिति में है। यूएसए का SDI रैंक 189 देशों में 13वें नंबर पर है। तो आप समझ सकते हो कि इस वक्त वहाँ पर सुकून की जिंदगी जीने के लिए काफी बेहतर देश है। और साथ ही साथ यूएसए का डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी भी है, जो कि वर्तमान में भारतीय 70 रुपए के बराबर चल रहा है। और यूएसए में पर आवर मिनिमम वेज 7.3 यूएस डॉलर मतलब है कि 500 रुपए है, जो कि दुनिया की 12वीं सबसे हाईएस्ट पर आवर वेज है। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया पर कई वर्षों तक यूरोपियन देशों का और यूएसए का प्रभाव था, और किसी वक्त ऑस्ट्रेलिया उन सभी देशों का एक कॉलोनी हुआ करती थी, जैसा कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक कॉलोनी था। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज का कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन फिर वर्तमान में तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जिसकी 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी इस वक्त दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वहाँ की पर कैपिटा इनकम 56,352 यूएस डॉलर मतलब है कि 39 लाख रुपए है, जो कि दुनिया की 10th मोस्ट हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। 99% लिटरेसी रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया 16वां सबसे अधिक एजुकेटेड देश है। बहुत से भारतीय लोग भी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करते हैं। करप्शन पर भी ऑस्ट्रेलिया ने काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, और लगभग जीरो करप्शन ही है। 180 देशों में करप्शन में ऑस्ट्रेलिया 13वां सबसे कम करप्शन वाला देश है, और पॉल्यूशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया इस टॉप 10 की लिस्ट में सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वहां पर आपको पॉल्यूशन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। 109 देशों में पॉल्यूशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया 9वें सबसे कम पॉल्यूटेड देश है। वहाँ पर पॉल्यूशन इंडेक्स 23.15 है, जो कि सेफ पॉल्यूशन इंडेक्स 0 से 50 की रेंज में आधे से भी नीचे है। तो मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का वातावरण काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन है। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस शुरू करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि 190 देशों में ऑस्ट्रेलिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक भी 18 है। तो कोई भी कंपनी 18वें नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस शुरू करने को प्रेफर करेगी। लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी में भी ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। 183 देशों में ऑस्ट्रेलिया का 4th हाईएस्ट लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, मतलब है कि वहाँ पर इंसानों की औसतन उम्र 82.8 वर्ष है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर लोग औसतन 82.8 वर्ष तक की ज़िंदगी व्यतीत कर लेते हैं। SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। 189 देशों में ऑस्ट्रेलिया की SDI रैंक 3 है, यानी कि वह देश हर लिहाज से बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन और काफ़ी कम पोल्यूशन, इन सभी मामलों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, जिसकी कीमत भारतीय 47 रुपए के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वेज देता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटे काम करने पर आपको मिनिमम 14.14 यूएस डॉलर मतलब है कि 8 घंटे काम करने पर आप 8 से 10 हज़ार रुपये बड़े आसानी से कमा सकते हो। नंबर 6 पर आता है स्वीडन। 2018 में भी स्वीडन इस लिस्ट में नंबर 6 पर ही था। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि नॉर्वे का पड़ोसी देश है, और नॉर्वे बेस्ट कंट्रीज की इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। तो मतलब है कि अगर पड़ोसी देश अच्छा हो तो स्वाभाविक है कि आसपास का देश भी बेहतर ही होगा। तो वैसा ही कुछ इन दोनों देशों में भी देखने को मिलता है। 4.5 लाख स्क्वेयर किलोमीटर एरिया के साथ ये देश लगभग भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका के बराबर है, और पॉपुलेशन मात्र 10 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है। वहीं भारत में इन दोनों राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका की
कंबाइंड पॉपुलेशन लगभग 18 करोड़ है। मतलब है कि स्वीडन की पॉपुलेशन इन दोनों राज्य से 180 गुना कम है, जबकि क्षेत्रफल में लगभग बराबर है। स्वीडन की 538 बिलियन यूएस डॉलर जीडीपी इस वक्त दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वैसे स्वीडन एरिया में पाकिस्तान से आधा है, लेकिन वहाँ की जीडीपी पाकिस्तान से 200 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है, यानी कि 13.5 लाख करोड़ अधिक है। और वहाँ की पर कैपिटा इनकम 53,878 यूएस डॉलर यानी कि 37 लाख रुपए है, जो कि 192 देशों में 11वीं बिगेस्ट पर कैपिटा इनकम है। स्वीडन में करप्शन जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 180 देशों में स्वीडन थर्ड सबसे कम करप्टेड देश है और थर्ड सबसे कम पोल्यूशन वाला देश भी है। मतलब है कि करप्शन और पोल्यूशन दोनों से ही इस कंट्री का कोई नाता नहीं है। 99% लिटरेसी रेट के साथ स्वीडन दुनिया का 5वां हाईएस्ट एजुकेटेड कंट्री है। 190 देशों में स्वीडन वेल्थ नेशन है, जहां पर बिजनेस शुरू करना एक आसान काम है। और वहां की लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी 82.4 वर्ष है, जिसकी वजह से कि स्वीडन लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी में 9th बेस्ट नेशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी स्वीडन टॉप 10 में आता है। वहाँ का एसडीआई रैंक 7 है, जो कि लगभग रहने के लिए एक बेस्ट कंट्री है। स्वीडन वैसे है तो एक यूरोपियन कंट्री, लेकिन वहाँ पर उनकी अपनी करेंसी चलती है, यानी कि स्वीडन कोरोना चलता है। एक स्वीडन कोरोना की कीमत भारतीय 7.14 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही थी, तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जिसमें टॉप 5 से 1 की रैंकिंग वाली कंट्रीज़ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप वहां से देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यानी कि टॉप 10 से टॉप 5 तक की ये लिस्ट कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।